तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कीर्ति मेहरा के बारे में। तो कीर्ति मेहरा ने गाइस अपने आज वाले स्टोरी में इस वाले वीडियो को शेयर किए, और इसके बाद गाइस इस स्टोरी को शेयर करने के बाद एक बंदे का कमेंट आता है, जहां पर गाइस उन्होंने लिखे कि ये किस मेरे लिए था ना। जिस पर गाइस कीर्ति मेहरा ने ऊपर रिप्लाई करते हुए लिखी है कि ऑफकोर्स नॉट। लेकिन गाइस यहाँ पर इस बंदे का नाम हाइड करके रखे हुए, आप लोगों को गाइस क्या लगता है कि ये कौन हो सकता है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और गाइस हम बात करते हैं एलविस यादव के बारे में। तो एलविस यादव ने गाइस अपने आज वाले ब्लॉग वीडियो में एक बार फिर से एक चीज को लेकर काफी ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट किए हैं। जी हां गाइस, आप लोगों को पता होगा कि एलविस यादव इसके बारे में कई बार अपने ब्लॉग वीडियो में बात कर चुके हैं कि हमारे घर में काफी सारे बंदे मिलने के लिए आ जाते हैं। वेल, काफी सारे लोग गाइस सिर्फ मिलने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वीडियो वगैरह भी बनाने लगते हैं, जिस पर गाइस एलविस यादव के फैमिली वालों को काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है। वेल, इस पर गाइस एलविस यादव ने अभी क्या कहे आप लोग इस वीडियो क्लिप में देखिए। तेरे का समय तो बड़ी स्मूथ है, और ये बताना कि स्कॉटलैंड से कितने कपड़े लेके आया हूं मैं। अच्छे क्यों बताऊं, मतलब पब्लिक ने कहा ना भाई वो सेम ये पैर लिया वो पैर लिया, बताना मेरी अलमारी। हाँ, हमारे घर आके देखो ना अलमारी। मत आना प्लीज, घर मत आना। और घर घर से याद है भाई, घर मत आया करो यार, रोज आ रहे हैं भाई मना करने के बाद भी। हैं, एक तो भाई गाड़ी के पीछे भग लिया मेरे, भगवान कसम वहां तक मैं समोसे लेने को भग रहा पीछे। मैंने कहा तुझे क्या चाहिए, कह रहा भाई वो चाहिए कुछ, तो मंगा। चलो ठीक है, मोटर मैं रोज समोसे खाता हूँ पता, वो गोपी हलवाई जिंदाबाद। आप अभी बीमार हैं, मेरी मम्मी पे